पैदल पैदल मैं अपने घर पे पहुंच जाता हूँ और अपने कारीगर भैया से उनकी बाइक की चाबी ले लेता हूँ और एक घर से फ्रूटी की बोतल भी उठा लेता हूँ और चल देता हूँ सीधा मार्केट की ओर, क्योंकि अपने टीवीएस में पेट्रोल खत्म हो गया था, उसी के लिए पेट्रोल लेने जा रहे हैं हम मार्केट। पेट्रोल पंप से पेट्रोल की एक बोतल भरवा लेते हैं और लेके चल देते हैं फिर से सीधा घर पे। घर पे पहुंच के मैं अपनी टीवीएस बाइक में एक बोतल पेट्रोल कूट देता हूँ और बाइक में पेट्रोल डालकर सीधा चल देता हूँ रोटी खाने। और ये सब काम मैं इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे मिलने एक दोस्त आया था, उसे अर्जेंट में मार्केट छोड़ के आना था। फटाफट रोटी खा के मैं अपने दोस्त को मार्केट छोड़ने चला जाता हूँ और अपने दोस्त को मार्केट छोड़कर मैं सीधा खेत पे चल देता हूँ, क्योंकि खेत पे इसका चारा रखा हुआ था, उस चारे को भी घर पे लेके जाना है। खेत पे से एक बार चारा लेकर मैं सीधा घर पे चल देता हूँ और घर पे पहुंचते से मुझे पुरुषोत्तम भाई का कॉल आ जाता है और वो फिर से मुझे एक और काम दे देता है। काम ये कि मार्केट से आटा पिसवाना था, इसलिए मैं फिर से पुरुषोत्तम भाई के पास पहुंच जाता हूँ और उसके गेहूं का कट्टा लेकर आटा चक्की पर पहुंच जाते हैं। अब ये आटा तो पिसता रहेगा, इसलिए हम चल देते कटिंग करवाने के लिए। फिर सैलून वाले की दुकान पर पहुंचकर हम अपने नंबर का वेट करने लग जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद हमारा नंबर आ जाता है, जल्दी जल्दी हम कटिंग करवा लेते हैं और चल देते फिर से उसी आटा चक्की पे, क्योंकि जब तक घर पे आटा नहीं पहुंचेगा तब तक घर पे खाना नहीं बनेगा।